हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्या स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज हमारी वीडियो का डे 4 है और आज हम सीखेंगे कुर्ती स्टिचिंग करना। तो कुर्ती स्टिचिंग करने में सबसे पहले हम अपना फ्रंट का गला काट लेंगे और गले का ब्रॉड हम रखेंगे 3 इंच। और ये डिपेंड करता है कस्टमर के मेजर के ऊपर, कस्टमर क्या चाहता है उसकी इच्छा अनुसार हम ब्रॉड को घटा बढ़ा सकते हैं। माइनर ब्रॉड 2.5 इंच का होता है, मीडियम 6 और बाकी कस्टमर के अनुसार 7-8, जिस तरीके से कस्टमर चाहता है उस हिसाब से हम ब्रॉड को बढ़ा सकते हैं। इसकी गले की लेंथ हमारी 7 इंच है, तो मैम ये 7 इंच पर आप निशान लगा ली। जैसे कि आप देख रहे हो हमने ये 7 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम सेम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगा लेंगे एक सीधी लाइन खींचने के लिए। अब इसको हम जिस भी प्रकार में हमारा शेप है, हार्ट शेप, पान शेप, इस कुर्ती के अंदर हम गोल गला काटेंगे। तो इस तरीके से हम इसके अंदर एक राउंड निशान लगा लेंगे। मैम एक राउंड निशान लगा रही हैं, इसी तरीके से आपने भी निशान लगाना। तो अब मैम कपड़े पर गले को, हमारे बुकरम के गले को जड़ रही हैं, तो इसी तरीके से आपने भी इसी तरीके से जड़ना है। और अपना ब्रॉड, अगर आपको ब्रॉड लगाना अच्छे से नहीं आता तो एक यहाँ से और यहाँ तक एक सीधी लाइन में आपको 6 इंच का ब्रॉड पहले एक मार्क लगा लेना है, दोनों साइड निशान लगा लेना है, जिससे आपका ब्रॉड गड़बड़ ना हो और आपका सेंटर से आना चाहिए। और हमारा गला जड़ने से पहले ये सेंटर भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सेंटर का निशान पहले लगा लेने चाहिए ताकि हमारा गला इधर उधर भागे ना। तो गला जड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। कुर्ती का फ्रंट है, अब इसके अंदर हम यहाँ सेंटर हमारा जैसे कि यहाँ बन रहा है, तो इधर से 3 ही, इधर से 3 ही, 6 इंच के ब्रॉड का हम निशान लगा लेंगे जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर इसी के ऊपर हम इसी निशान से हम गला जड़ लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये गला जड़ने का सेकंड मेथड है, मैं इसी तरीके से पर्सनली जड़ता हूँ। बाकी ये कि अगर कोई बिगनर है तो जैसे मैंने आपको सिखाया था आप उसी तरीके से गला जड़े तो आप अच्छी तरीके से गले को जड़ पाएंगे। जैसे कि मैं कट कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी कट करना है, ना इससे ज़्यादा कपड़ा लेना है ना इससे आपने कम कपड़ा लेना है। कम कपड़ा लोगे तो आपका गला फट जाएगा, कुछ दिन बाद आपके गले में अल्टर आ जाएगी। अब इसको हम लब की सिलाई मार लेंगे या फिर एक पैर की सिलाई मार लेंगे इसे जड़ने के लिए। ये हमारा बैक गला है, इसको हमने पहले से ही कट कर लिया था। सेकंड वीडियो में हम गले का प्रोसेस पूरा आपको बताएंगे कि गला किस तरीके से काटना है, कितने मेजर पे, और अलग अलग वैरायटी के गले काटना भी हम आपको सिखाएंगे। बैक गले के लिए एक पट्टी काट लेंगे उरेब की, आपने भी उरेब की ही पट्टी काटनी है। सीधी पट्टी काटोगे तो गला फलक जाता है, टेढ़ा भागने लगता है। गोल गला उरेब की पट्टी से ही अच्छा बैठता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखो ये हमारा गला है, ये हमारी उरेब की पट्टी है जैसे कि मैं आपको खींच के दिखा रहा हूँ। अब आपने ये करना है कि गले पे नीचे हल्का सा हाथ रखना है ऐसे करके, और इस पट्टी को हल्के हाथ से खींचना है, ना इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना है और इतना भी नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे करके खींचना है। ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से गले की पट्टी लगानी है। बहुत सुंदर तरीके से पट्टी लगेगी और इसी तरीके से आपने भी लगानी है। अगर आप एक बारी में अच्छे से ना लगा पाएँ तो आप उधेड़िए और दोबारा से लगाइए। और हमारी वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, घर बैठे आप सिलाई सीख सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद हमने ये इस तरीके से नाखून मार लेना है और एक सिलाई लगानी है। ये देखिए, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, इसको बिल्कुल प्यार से कैंची की नोक से हल्के हल्के आराम आराम से आपने इसको काट लेना है। अब हम फ्रंट और बैक गला जोड़ लेंगे। कंधे की सिलाई में हमने मुड्डे से 1/2 इंच का मार्जिन पे हमने एक पक्का कर लिया, और गले की साइड से हम 1/4 इंच इंची टेप से आप लगा सकते हो, 1/2 इंच 2 सूत पर आप इस तरीके की सिलाई लगा लेंगे तो हमारी कंधे की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। उससे क्या होता है कि जो कंधा गिरने की जो शिकायत आती है वो नहीं आती है।
तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। जिन लोगों के कंधे गिरते हैं वो यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा सा कंधा दबा लेंगे तो आपके कंधे गिरने की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अब हमने बैग के गले पे कच्चा जड़ लेना है। कच्चा मतलब लंबी सिलाई से लगा लेना है ताकि आप तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को उधेड़ सकें। तो हमारा फ्रंट बैग गला बनके तैयार हो गया है। अब हमने अपनी कुर्ती का नाप जोड़ लेना है। तो दोस्तों हमारी कुर्ती का नाप है 36.5 इंच। तो 36.5 इंच 18 इंच 2 सूत हाफ होता है 36.5 इंच का। तो हम ये निशान लगा लेंगे 9 इंच 1 सूत इधर और 9 इंच 1 सूत इधर। और हमारी कमर है 32 इंच, तो एक हम 32 इंच पे सेंटर करके निशान लगा लेंगे। तो 32 इंच का आधा होता है 16, तो 8 इंच सेंटर से इधर, 8 इंच सेंटर से इधर। इसी तरीके से सेम हम हिप पर भी निशान लगाएंगे। तो हमने अब कुर्ती पे पूरी तरीके से निशान लगा लिया। आप अपनी शेप पट्टी से निशान लगा सकते हैं, और जैसे कि मैंने निशान लगाया ऐसे अपने हाथ से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो हमने सिलाई थोड़ी सी हल्की हल्की कर्व में लेनी है चेस्ट के पास से, और हिप के पास थोड़ी स्ट्रेट लेनी है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। तो अब हमने अपनी कुर्ती का दावन मोड़ लेना है। तो हमारे दावन में मार्जिन कम था, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन था। तो हमने इसकी शलवार का कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम एक बॉर्डर की तरह ऐसा यूज़ करेंगे। अगर आप शलवार का कपड़ा बॉर्डर की तरह यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बॉर्डर दोनों साइड बराबर हो, ना कि ऊंचा नीचा हो। तो ये देखिए हमने शलवार के कपड़े से दावन पे बॉर्डर लगा दिया है। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं, तो उससे सुंदरता दावन की और बढ़ जाती है। अब हम इसके चाक पल्ले सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक का दावन है। हमने फ्रंट के दावन से एक कुटका लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो। आपने भी सेम ऐसे ही कुटके लगाओगे तो आपको ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम चाक मोड़ लेंगे अपनी कुर्ती का। तो चाक मोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको हम देखो इतना 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 ले लेंगे, 1/4 इंच 1/4 इंच, और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इधर से दिखाओ, इधर से। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये हिप का हिस्सा पकड़ लिया है, और यहाँ पर हम जितना हमें चाक चाहिए उसको हम ऐसे करके इक्वली ऐसे ऐसे हाथ फेर लेंगे, और ये हमारा चाक बिल्कुल इकसार आएगा। अब हम इसको पकड़े रखेंगे और मशीन को सीधी सिलाई मार देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके चाक फलकेंगे नहीं और बिल्कुल इकसार आएंगे, बिल्कुल सुंदर आएंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम चौथे चाक को सिलने जा रहे हैं, ये देखिए। तो हम ये दो हमने इस तरीके से पकड़ लिए, और इस तरीके से हम इसको पकड़ लेंगे, और यहाँ पर इसको हम बराबर कर लेंगे। इससे हमारे चारों चाक पल्ले बिल्कुल बराबर आएंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। आप भी इसी मेथड का यूज़ करोगे तो आपके चाक पल्ले अगर छोटे बड़े होते हैं, ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है, तो वो उससे दूर हो जाएगी।
तो देखिए मेरा चाक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम नीचे वाले हिस्से को हल्का सा ऐसे करके नीचे हल्का हल्का खींच लेंगे और इसमें ऊपर वाले में हल्की हल्की नम देकर इसको बराबर कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा चाक नीचे तक नहीं आएगा। चाक की अगर नोक बन जाती है तो वो फिनिशिंग में बुरे लगते हैं। ये देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो अब हम बाजू बना लेंगे। हमारी बाजू में 1.5 इंच का मार्जिन था, इसी तरीके से आप चारों तरफ निशान लगा सकते हैं या कुटके की मदद से इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब हम इस पर कच्चा मार लेंगे। तो हमारी बाजू की गोलाई थी 9 इंच, तो हम 9 इंच, 9.5 इंच का आधा होता है, 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम कुर्ती के आर्महोल को इस तरीके से पकड़ के हल्के हाथ से रखेंगे यहाँ पर और हल्का थोड़ा सा हम खींचेंगे और एक ऐसा निशान लगा लेंगे। अभी हमने एक पट्टी काटी है, ऐसे आपने भी काटनी है। ये हुक पट्टी के लिए हम एक छोटी सी पट्टी बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो आपने भी इसी तरीके से बनानी है। तो हमने अपने बाजू पे सिलाई लगा ली है, अब इसको हम इस तरीके से मुड्ढे को बखियाएंगे। तो ये देखिए हमने ये इस तरीके से पकड़ लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे, और एक साइड से इसको ऐसे पकड़ लिया है। अब ये जो हमारा ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, इसको हम फ्रंट की साइड से, ये हमारी फ्रंट है, फ्रंट गला है, तो फ्रंट की साइड से 2 सूत आगे रखेंगे बाजू के जोड़ को। देखिए हमने नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचना है, ऊपर वाले कपड़े को हल्के हाथ से खींचना है। जो तो हमने 2 सूत बाजू जो एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी, अब वो इस रीज़न से लगाई थी, ये देखिए। हल्के हल्के हाथ से खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आपने उसी तरीके से आप अगर कुर्ती बनाओगी अपनी तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कुर्ती बन के आएगी। और जो बिगनर हैं वो भी रिपीट में देखेंगे वीडियो को, तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने ये बाजू 2 सूत लूज रखी थी, उसका कारण ये रहता है। ये देखो कितनी सुंदर बाजू आई है, ये देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है। इस तरीके से अगर हम बाजू लगाएंगे तो आपकी भी बाजू बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा कपड़े में, ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस जो हमने कुर्ते सी लिए ये उसका फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें। धन्यवाद।